ये कहावत है कि हर कामयाब इंसान के पीछे किसी ना किसी औरत का हाथ होता है, और गीतकार इंदिवर की कामयाबी के पीछे भी उनकी पत्नी का खास योगदान रहा है। कहते हैं ना, औरत का साथ हो तो बात बन जाती है, लेकिन यहां कहानी उल्टी है, वियोग की वजह से बात बनी। बात उन दिनों की है जब इंदिवर जी बंबई नहीं आए थे, थोड़ी थोड़ी शोहरत मिलनी थी, सो मिल रही थी कवि सम्मेलनों के कारण। मध्य प्रदेश में होने वाले कवि सम्मेलनों में खास तौर से उन्हें बुलाया जाता था, आमदनी भी हो जाती थी, घर चल जाता था। अब एक ऐसा दौर आया जब इनकी बहन और बहनोई ने इंदिवर जी की मर्जी के खिलाफ दबाव डालकर इनका विवाह झांसी की रहने वाली एक लड़की से करा दिया जिसका नाम था पार्वती। बिल्कुल शादी नहीं करना चाहते थे, इसी वजह से अनमने से रहने लगे पत्नी के साथ, और शादी के कुछ टाइम के बाद ही पत्नी से पीछा छुड़ाने की मंशा लिए तकरीबन 20 साल की उम्र में बंबई भाग गए। बंबई में 2 साल तक संघर्षों के साथ भाग्य आजमाने की कोशिश की। 1946 में फिल्म डबल फेस में इंदिवर जी के लिखे गीत पहली बार रिकॉर्ड हुए, किंतु फिल्म चली नहीं, नोटिस नहीं हुए, फ्लॉप हो गए, और परिणाम यह हुआ कि इंदिवर को जल्द ही वापस अपने गांव बरुआ लौट जाना पड़ा। अब भाग्य का खेल देखिए कि जिस पत्नी से पीछा छुड़ाने के लिए वो घर छोड़कर भागे थे, अब उसी पत्नी से उनका धीरे धीरे अटैचमेंट, मोह, लगाव होने लगा, और इसके चलते उन्होंने मन बना लिया कि वो उसे छोड़कर कभी वापस नहीं जाएंगे। लेकिन इंदिवर की पत्नी पार्वती को पता था कि उनका करियर यहां इस गांव में नहीं है, उनके हुनर की कद्र तो बॉम्बे में है। इसलिए धर्मपत्नी पार्वती देवी ने उन्हें वापस बॉम्बे जाने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया, बहुत हौसला बढ़ाया, समझाया, बार बार कहा चले जाओ, और फाइनली उन्हें बॉम्बे लौट जाने के लिए राजी भी कर लिया। आ गए बॉम्बे, धीरे धीरे छोटी फिल्मों में गीत लिखने का काम भी मिल गया। यह सिलसिला लगभग 5 साल तक चलता रहा। अब इंदिवर जी ने अपनी धर्मपत्नी पार्वती से गुजारिश की कि वो बंबई आ जाए, साथ रहे, परंतु पार्वती देवी ने हमेशा के लिए बॉम्बे में रहने से इनकार कर दिया। पत्नी के इस इनकार का इंदिवर जी को बहुत दुख, बहुत झटका लगा। वो पत्नी के ना करने से इतने नाराज हो गए कि उसे छोड़ दिया, छोड़कर अकेले बॉम्बे चले आए। स्ट्रगल, मेहनत रंग लाई, और 1951 में लिखे उनके गीत ने धूम मचा दी। फिल्म थी मल्हार, और गीत के बोल थे, बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम। इंदिवर जी बुलंदियों पर पहुंच गए, मगर अपनी पत्नी से उनकी नाराजगी खत्म नहीं हुई, और नतीजा ये हुआ कि वापस लौटकर कभी अपनी पत्नी के पास गए नहीं। कोई बात चुभ गई, हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा ना आई, बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बे। वो कौन सी अभिनेत्री थी जिसे पहली बार मिलकर मलकाय तरन्नुम नूरजहां इतनी इंप्रेस हो गई थी कि उन्हें अपने पति की फिल्म में दे डाला एक्टिंग का चांस। ये किस्सा सुनाऊंगा कुछ ही देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।